आपको बैसाखी का त्योहार पंजाब समेत उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन किसान आंदोलन के चलते इस बार किसानों द्वारा बैसाखी खालसा पंथ स्थापना दिवस किसान धरना पर ही मनाया जा रहा है। अंबाला के शंभू टोल प्लाजा पर इस मौके पर महिलाओं द्वारा श्री सुखमनी साहब का पाठ किया गया और किसानों की खुशहाली, अच्छी सेहत और भले के लिए अरदास की गई। बता दें कि बैसाखी दरअसल सिख धर्म की स्थापना और फसल पकने के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। इस महीने रबी फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो जाती है और पकी हुई फसल काटने की शुरुआत भी होती है। ऐसे में किसान फसल पकने और कटने की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं। इसके अलावा 13 अप्रैल 1699 को ही सिख धर्म के 10वें श्री गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तभी से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन से हिंदू व सिख नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सभी किसान धरने पर बैसाखी व सिख स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी के चलते अंबाला के शंभू टोल धरने पर महिलाओं द्वारा इस मौके पर श्री सुखमनी साहब का पाठ करवाया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा गुरुओं की महिमा का गुणगान किया गया। उसके बाद धरने पर आए सभी किसानों व महिलाओं को गुरु का लंगर बांटा गया। वहीं महिलाओं का कहना है कि आज हमने किसानों की अच्छी सेहत, खुशहाली व भले के लिए शंभू टोल धरने पर ही सुखमनी साहिब का पाठ किया। भगवान से यही अरदास की गई कि केंद्र सरकार जल्द किसानों की मांगों को माने ताकि किसान आंदोलन समाप्त हो। वहीं किसान यूनियन के उपाध्यक्ष चड़ूनी गुलाब सिंह ने बताया कि कल 14 अप्रैल को शंभू टोल धरने पर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिवस किसानों और दलित समाज के लोगों द्वारा मिलकर मनाया जाएगा। स्टेज का संचालन और कार्यक्रम का आयोजन दलित समाज के लोगों द्वारा ही किया जाएगा। उधर गृह मंत्री अनिल विज द्वारा कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखने पर किसानों ने कहा कि हम उनके इस कदम का समर्थन करते हैं और धन्यवाद करते हैं। बैसाखी का दिन है, खालसे का जन्मदिन है और नवरात्रे हैं, जाड़ दिवस भी है। इस खुशी में हमने निर्णय ले रखा है कि हम जितने भी तिथि त्यौहार हैं, सुख दुख है, टोल प्लाजाओं और जहाँ भी हमारे यहाँ जाम लग रहे हैं, वहाँ दिल्ली के शंभू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है या गाजीपुर बॉर्डर है, सब दुख सुख हम वहीं मनाएंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं हो जाते। कल 14 तारीख है, कल दलित समाज के लोग हमारे यहाँ टोल प्लाजा पर आएंगे। स्टेज उन्हीं को समर्पित है, जो भी कार्यक्रम करेंगे वो उन्हीं के द्वारा ही होगा। आज कार्यक्रम में क्या कुछ खास है? आज में यही है, सुखमनी साहब का पाठ कराया गया, उसके बाद यहाँ अरदास होगी, प्रसाद बंटेगा और लाइक वाइज जब भी अगला कोई और त्यौहार आएगा हम यही मनाएंगे। फिर से एक बार जो है सरकार ने बातचीत का न्योता दिया है। देखो जी, मैं तो शुरू से कहता हूँ और कहता आया हूँ और मुझे उम्मीद भी है कि ये तो एक देश का मामला है, इंटरनेशनल लेवल के जो मामले हैं वो गोल मेज पे ही उनका समाधान निकला है। और हमें जो महसूस हो रहा है सरकार के रवैये से, चाहे वो हरियाणा की सरकार है और सेंट्रल सरकार है, उनके रवैये में कुछ नरमाई आ रही है। और उम्मीद करते हैं कि जो किसानों के ये काले कानून है ये सरकार वापस लेगी और MSP पे ये कानूनी गारंटी देगी। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा चिंता जताई, हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही है हम उसका अच्छी बात करते हैं तो समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि किसान वहाँ बहुत दिनों से बैठे हैं, कोविड का खतरा है, हालांकि किसानों को तो कभी तक हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हमें तो इस चीज़ का बचकर रहना चाहिए। और जो अनिल विज ने कहा हम उसकी बात का समर्थन करते हैं। और उसने यही बात कही जो हमारी समस्याओं को लेकर सरकार के प्रति चिट्ठी लिखी है, हम उसके लिए उसका भी धन्यवाद करते हैं। आज क्या कार्यक्रम मनाया गया है? आज यहाँ जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना खालसा दिवस की रचना करी थी, आज पंच प्यारियों की स्थापना करी थी, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक सुखमनी साहब का पाठ कराया जा रहा और बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा, जो किसानों का बहुत बड़ा त्यौहार है, जिस आज के दिन समय में जो किसानों के घर नया अनाज आता है, खुशी खुशी किसान अपने खेत में काम करके अपना अनाज घर में लेके आते हैं, मंडी में लेके जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में जब हर साल हम अपने घरों में गांवों में ये त्यौहार मनाते थे, इस किसान आंदोलन के चलते हमारा जो परमानेंट यहाँ पे किसान यूनियन किसानों का डेरा लगा हुआ है बैरियर पे, यहाँ पे
सुख शांति के लिए पाठ भी किया गया और ये त्यौहार भी मनाया गया ताकि ये तीन काले कानून सरकार वापस ले, सरकार परमात्मा सरकार को शुद्ध बुद्धि दे और ये तीन काले कानून वापस ले सरकार। सीजन के कारण कुछ कमी हुई है किसानों? नहीं, कमी कोई नहीं है, सब सीजन है, चाहे कुछ भी है, हर आदमी हर किसान संपर्क में है। थोड़ा अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाया हुआ है कि हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे ना होकर कोई घंटा आ जाता है, कोई दो घंटे आ जाता है। अपने रूटीन सभी किसानों ने बनाई हुई है, चाहे आंदोलन कितना भी लंबा चले, इसमें अब कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।